तो यू इन नेक्स्ट सेमेस्टर तमाम कैंडिडेट्स आई थिंक सो so, के जो uh, यहाँ पर इस सेशन को सुन रहे हैं वो तमाम लोग ए डी ए डी एस या फिर बी uh, एस के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं एज पर रिवाइज हम सेकेंड uh, का कोर्स है टूल्स फॉर क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्यू आर ई ए वन जीरो एट इस कोर्स के जो लेक्चर सीरीज़ है इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट टाइम भी हमने एक्सप्लोरिंग क्वान स्किल्स जब देखा था तो उसमें क्यू आर ई ए वन जीरो सेवन जो कोड था उसके कोर्स को कम्प्लीट किया टेस्ट सेशन कंडक्ट किए तो बिल्कुल उसी सीक्वेंस पे हम इस पूरी लेक्चर सीरीज को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें तमाम के तमाम जो कंटेंट्स हैं उनको कवर करेंगे फिर टेस्ट सेशंस होगा एक्सप्लेनशन जो आप लोगों को क्वेश्चंस उसको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके जरिए आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा ये स्टार्ट में मैंने आप लोगों को एक जो स्लाइड शो कर रखी है जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है जो लोग इस सेशन को ऑनलाइन सेशन को प्रिपेटरी सेशन को ज्वाइन करना चाहें इसके लिए भी और जो जनरल साइंस है दोनों के लिए वो तमाम लोग थ्रू दिस नंबर वो अपने आप को जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं नाउ मूविंग टॉपिक्स अपने जो कॉन्टेंट हैं उसकी तरफ चलता हूं आप लोगों को ये बताता चलूं कि इनिशियली मैंने जितने भी हमारे जो contents हैं कोर्स आउटलाइन के मुताबिक उनको इकट्ठा करके फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तमाम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे और मैं थ्रू लेक्चर आप लोगों को ये बताता जाऊँगा तमाम चीजों को एक्सप्लेन करता जाऊँगा फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैंने थोड़ा सा इसको यूं कह लें कि इन डिटेल लिखा है नोट्स में जो आप लोगों को थ्रू पीडीएफ बाद में शेयर होंगे उसमें इनको शॉर्ट शॉर्ट करके फॉर्म से के आप लोगों को जो टू द पॉइंट चीजें हैं कि जितना आप लोगों ने पेपर के अंदर लिखना है उस तरीके से आप लोगों को जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए जरूरी है आप लोगों को ताकि एक दफा आप लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें सो देट के जो पेपर आप लोग लिखने बैठे तो ये जो तमाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो तमाम के तमाम आप लोगों तक पहुंचे हुए हों मॉड्यूल वन से स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल वन है दैट इज एक्सप्लोरिंग ग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट मॉड्यूल है वहां से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोरिंग ग्राफिकल इंफॉर्मेशन फर्स्ट क्वेश्चन है जी जो हम करने जा रहे हैं वट इज अ फंक्शन हाउ डू यू डिसाइड विच वेरिएबल इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल याद रखें जो आप लोगों को बुक रिकमेंड की गई है फंक्शन मैथमेटिक्स में भी चूंकि आप लोग पढ़ के आते हैं वो लास्ट में मैंने डेफिनेशन रखी है फंक्शन की कि मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डेफिनेशन होती है ताकि वो भी आप लोग लिख सकें हम सबसे पहले फंक्शन के कॉन्सेप्ट को वाजे करेंगे कि फंक्शन क्या है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीजें हैं और फिर थ्रू एग्जाम्पल्स इस चीज को एक्सप्लोर भी करेंगे कि इन एग्जांपल्स में कौन सा इंडिपेंडेंट और कौन सा डिपेंडेंट है क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चंस थे जैसे कि uh, 107 में भी थे बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे लेकिन उन क्वेश्चन को अटैप्ट करने के लिए थोरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मच मोर नीडेड तो इस वजह से आप लोगों को फंक्शन का सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है क्वांटिटी रिलेटेड बाय अ फंक्शन आर कॉल्ड वेरिएबल्स फंक्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बेसिकली वेरिएबल होते हैं वेरिएबल्स क्या जो क्वांटिटीज चेंज होते हैं ठीक है ना जो क्वांटिटीज चेंज होती हैं उनको क्या बोलते हैं वेरिएबल और वेरिएबल फंक्शन जो है वो बेसिकली वेरिएबल्स को ही आपस में जोड़ता है तो क्वांटिटी रिलेटेड बाय फंक्शन आर कॉल्ड वेरिएबल बिकॉज़ दे चेंज और वैरी क्योंकि जो ये क्वांटिटीज चेंज होती हैं तो इस वजह से इनको वेरिएबल बोलते हैं तो यहां से अकेले वेरिएबल की डेफिनेशन भी आप अलहदा से देख सकते हैं कि वेरिएबल क्या है द क्वानिटी विच में चेंज और वेरी आर नोन एज वेरिएबल तो और फंक्शन क्या है द क्वांटिटीज रिलेटेड बाय अ फंक्शन आर कॉल्ड वेरिएबल आगे आ, हम जा रहे हैं नेक्स्ट अ फंक्शन डिस्क्राइब्स ये फंक्शन की डेफिनेशन गई है अ फंक्शन डिस्क्राइब्स हाउ आर डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इनडिपेंडेंट वेरिएबल के डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी दूसरे का मोहताज है वो इनडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से कैसे चेंज होता है अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को आगे अभी हम देखेंगे कि जिसकी वैल्यू को हम अपनी मर्जी से चेंज कर लें वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जिसकी वैल्यू को जो उसके मुताबिक आंसर आता है क्रॉसपॉन्डिंग आंसर आता है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है

मैं अगर आप लोगों को याद दिलाऊं तो एक चीज हम ऐसे लिखा करते थे ऑर्डर के अंदर तो इसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था पहला और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता था तो इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट uh, वेरिएबल में इंडिपेंडेंट को पहले लिखा जाता है और डिपेंडेंट को uh, बाद में लिखा जाता है हम ये कहते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ इनडिपेंडेंट वेरिएबल तो ये अभी जो मैंने uh, ये ये लिखी थी x x y y तो तो इसमें हम y is equal to f of x लिखते हैं कि y of x है, कि फ़ंक्शन फ़ंक्शन ऑफ ऑफ है है जो डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल इसको लिखने का तरीका यहाँ से सिर्फ आपको डेफिनेशन फ़ंक्शन याद चाहिए ज्यादा एक एक हो सकते हैं ठीक है ना तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से कैसे चेंज होता है और लिखने का तरीका उसका हो गया कि पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा जाएगा बाद में डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा जाएगा जैसे कि वाई इज इक्वल टू एफ एफ एक्स ये आगे एक एग्जांपल दे दी है जस्ट uh, यू कह लें कि एक्सप्लेनेशन के लिए है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैंने कहा कि लेंथी जो चीजें हैं या जिसमें थ्योरी लिखी हुई है वो एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों के लिए ज्यादा है मैं साथ साथ जैसे ऊपर वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ा तो आपको बताया कि फंक्शन की डेफिनेशन होगी उसमें से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे लिखना है लिखने का स्टाइल और फंक्शन की डेफिनेशन वहां से करनी है आपने तो ये टाइम पे सिक्स ए एम पे फिफ्टी डिग्री फॉरन हाइट है टेम्परेचर सेवन ए एम पे फिफ्टी टू है हर एक घंटे बाद छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और फिर जो है एक दो तीन चार पाँच ये पी पे है कि छ से लेकर सुबह छह से लेकर शाम छह तक जो टेम्परेचर की वेरिएशन आई हैं फॉरन में वो यहाँ पर लिखी गई है ओके वी ऑफन राइट वेरिएबल इन दम ऑफ ऑर्डर पेयर्स अच्छा अब देखें टेम्परेचर का इनसार अब इनमें से इंडिपेंडेंट कौन सा और डिपेंडेंट कौन सा उसने यहाँ पे लिख दिया पहले टाइम कॉमा टेम्परेचर के टाइम इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर डिपेंडेंट है आप लोग अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आप इजीली इस बात को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जैसे जैसे वक्त तब्दील होता है वैसे वैसे टेम्परेचर चेंज होता है मतलब टेम्परेचर का इंसार वक्त पे है कि टाइम क्या हुआ है टाइम जैसे जैसे ऊपर नीचे जाएगा टेम्परेचर उसके हिसाब से ऊपर नीचे जाएगा इसका मतलब टाइम इंडिपेंडेंट है टाइम अपनी मर्जी से चेंज होता है जबकि टेम्परेचर

पहले वाला था ठीक है ना ये देखिए, ये था था? ना, तो इसको इसको फिर हमने हमने कैसे लिखा था? आ, इसको हमने लिखा था ऐसे कि y यानी कि बाद वाला फंक्शन है पहले वाले का तो यहाँ पे भी यही है कि अगर हमारे पास टाइम को आप डिनोट कर रहे हैं स्मॉल टी से और टेम्परेचर को डिनोट कर रहे हैं कैपिटल टी से तो फिर कैसे लिखा जाएगा इसको फंक्शन की फॉर्म में फिर ऐसे ही लिखा जाएगा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल फंक्शन ऑफ स्मॉल ये आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा कैपिटल टी इज फंक्शन ऑफ स्मॉल के बाद वाला फंक्शन है पहले वाले का अच्छा होता क्या है कि टाइम के हिसाब से टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसको अः uh, डिफरेंट जो है ना मैथमेटिशियंस uh, उन्होंने एक अपने स्टाइल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि फंक्शन बेसिकली एक मशीन की तरह एक्ट करती है जिसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू देते हैं यानी कि टाइम बताया उसके हिसाब से टेम्परेचर आ गया ठीक है ना इनपुट देते हैं इनपुट बेसिकली क्या होती है कि आप इसमें कुछ देते हैं या आपको आंसर के तौर पे कुछ ना कुछ रिटर्न करता है इनपुट जो, जो होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और आउटपुट जो होती है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये एक एग्जाम्पल है पहले वाले एग्जाम्पल भी जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कि टाइम और टेम्परेचर हो तो टाइम इंडिपेंडेंट है और टेम्परेचर डिपेंडेंट है बस इतनी बात याद रखनी है उसकी पूरी बाकी जो बातें हैं वो एक्सप्लेनेशन के लिए आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स लुक एट द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जी कि क्वेश्चन ये नीचे वाले स्टेटमेंट्स को पढ़ें विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब रिलेशनशिप इन विच कि एक स्टेटमेंट लिखी हुई है दो चीजें बताई गई हैं उनके दरमियान बताना है कि हमने ये फंक्शन या रिलेशन आपस में बन रहा है या नहीं बन रहा और अगर किसी में बन रहा है तो यानी कि अगर कोई फंक्शन है तो उसमें इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है ठीक है जी टोटल डिस्टेंस अ कार हैज ट्रैवल्ड आफ्टर वेरियस अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ रोड ट्रिप रोड ट्रिप पे डिस्टेंस और कार हैज ट्रेवल्ड आफ्टर वेरियस मोमेंट ऑफ टाइम डिस्टेंस और टाइम का आपस के अंदर जो है ना वो रिलेशन uh, है कि मुख्त अवकात में टाइम जो टोटल डिस्टेंस है उसने कवर किया कार ने वो क्या है देखें जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे तय करदा फासला भी बढ़ेगा तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम यहां पर इंडिपेंडेंट है और डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट है तो देखते हैं जी यहाँ पे क्या सिनेरियो है ये देखें ये स्टेटमेंट द टोटल डिस्टेंस अ कार हैज ट्रेवल्ड आफ्टर वेरियस अमाउंट ऑफ टाइम वाले में डिपेंडेंट वेरिएबल जो है डिस्टेंस है कि डिस्टेंस डिपेंडेंट है और इनडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टाइम है क्योंकि टाइम के हिसाब से डिस्टेंस कम ज्यादा लगेगा बी स्टेटमेंट देखते हैं द वे द पुलिस ऑफ ए न्यू द प्राइस ऑफ ए न्यू टैबलेट इफेक्ट द नंबर ऑफ द पीपल हु बाय इट कीमतों का जो उस टैबलेट को खरीदने वाले लोग हैं उनके ऊपर असर अब देखें कीमत चेंज होगी तो उसके खरीदार कम या ज्यादा हो सकते हैं इसका मतलब जो कीमत है जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट है और जो नंबर ऑफ पीपल्स है वो डिपेंडेंट है कि वो कीमत का कम हो जाएगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे कीमत ज्यादा हो जाएगी तो लोग कम खरीदेंगे तो यहाँ पे देखिए उसने लिखा है कि वे ऑफ प्राइस वाले का द डिपेंडेंट वेरिएबल इज नंबर ऑफ पीपल्स जो इसको खरीदने वाले लोग हैं खरीदार डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है तो आप लिखते हुए पहले पहले लिख है, है? बताऊंगा तो इंडिपेंडेंट हुए, लिखते हुए इंडिपेंडेंट वाला बाद में लिखा हुआ कि इंडिपेंडेंट प्राइस है कीमतें इंडिपेंडेंट है और नंबर ऑफ पीपल्स जो है वो डिपेंडेंट है बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन डिपेंडेंट और कौन इंडिपेंडेंट लिस्ट ऑन ऑन योर फंक्शन तो नहीं बना रहा आइटम तो लिखे हुए हैं जो खरीदे वो लिखे अब इसका ताल्लुक किस चीज के साथ बनाना है ये वाजह नहीं है तो इसका मतलब ये रिलेशनशिप को डिस्क्राइब नहीं करती तो यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर क्या रिलेशन है इफेक्ट ऑफ इनकम टैक्स रेट ऑन गवर्नमेंट रेवेन्यू जाहिर है इनकम टैक्स कम ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का उसी हिसाब से जो रेवेन्यू है वो कम या ज्यादा हो जाएगा तो इट मीन की जो इनकम टैक्स है दैट इफेक्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू इट मीन इनकम टैक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं वो बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ जाएगा इनकम टैक्स रेट्स कम होंगे तो गवर्नमेंट रेवेन्यू कम हो जाएगा तो इनकम टैक्स रेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है और गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है वो डिपेंडेंट है ये स्टेटमेंट ये आ गई है देखिए स्टेटमेंट आपको इफेक्ट ऑफ इनकम टैक्स वाले में डिपेंडेंट वेरिएबल गवर्नमेंट रेवेन्यू है

एलिफेंट्स अब देखें ये जंगली हयात से मुख्य है कि जो जिन हाथियों की पॉपुलेशन को खतरा है उनकी पॉपुलेशन क्या उसका इनसार उन लोगों पे ये जो नंबर ऑफ पार्क रेंजर्स पार्क रेंजर्स बेसिकली पार्क रेंजर्स वो लोग हैं जो कि पार्क की हिफाजत के लिए वहाँ पे मौजूद हैं उनके इन्फोर्सिंग एंटी पोचिंग लॉज और ये कौन सी रेंजर्स हैं ये वो हैं जो कि उसको जो है वो गैर कानूनी जो शिकार करने वाले लोग हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाती हैं यानी कि यूँ कह कि गैर कानूनी शिकार से रोकते हैं जिन जो नापैद होने वाले नस्लें हैं उनको रोकने वाले लोग अगर बढ़ेंगे उसकी हिफाजत करने वाले अगर लोग बढ़ जाएंगे या यूं कह ले कि किसी पार्क के अंदर ये जो रेंजर्स की तादाद है जो उसको गैर कानूनी शिकार को रोकते हैं जब वो बढ़ेंगे तो उनकी जिंदगी कम खतरे में होगी यानी कि उनकी जो लाइफ है उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी अगर ये कम होंगे लोग बचाने वाले तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी इसका मतलब जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है किस पे नंबर ऑफ रेंजर्स पे कि नंबर ऑफ रेंजर्स जितनी ज्यादा होगी पॉपुलेशन उतनी ज्यादा हो जाएगी नंबर ऑफ रेंजर्स जितने कम होंगे लोग जितने कम रखेंगे उतनी उनकी जान को खतरा होगा एलिफेंट्स की उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ आपने बताने हैं आप सिर्फ इन तमाम स्टेटमेंट्स में चूंकि इनकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है आगे थोड़ी थोड़ी तो इसमें जो मेन चीज रहेगी वो ये रहेगी कि आप हर स्टेटमेंट के अंदर ये चीज आइडेंटिफाई कर सकें कि ये अगर सारी की सारी स्टेटमेंट है यहां से लेकर और यहां तक कि ये अगर स्टेटमेंट है पूरी की पूरी तो इसमें आपको क्या पता हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो पॉपुलेशन है और इनडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो

एक्सेस दूंगा तमाम लोगों को सो दैट के एज सैम्पल वो तमाम लोग इसको देख सकें कि वो इससे कुछ हेल्प ले भी सकेंगे या नहीं ले सकेंगे या कितना उनको जो है वो बेनिफिट होगा वेल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पता चल गया फंक्शन को लिखने का तरीका डिफरेंट uh, जो वेज थे अभी तक हमने देखे फॉर इच सिचुएशन एक्सप्रेस द फंक्शन इन वर्ड्स अब देखिए आपने ना क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है फंक्शन को वर्ड्स में भी लिखना है कि जैसे ऊपर था कि नंबर ऑफ रेंजर्स इज फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन ये इन वर्ड्स हो गया ना ये ऊपर वाली एग्जांपल की बात कर रहा हूँ और नंबर ऑफ रेंजर्स को अगर आप ए कह दें और पॉपुलेशन को बी कह दें तो फिर आप लोग कह सकते हैं कि बी इज अ फंक्शन ऑफ ए यानी कि जैसे इज एन फंक्शन ऑफ एक्स डिपेंडेंट इज फंक्शन ऑफ इनडिपेंडेंट और फिर इसको इस फॉर्म में भी लिखना है

जो एटमोस्फ्रिक प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है हाइट पे एटमोस्ट्रिक प्रेशर डिपेंड कर रहा है हाइट पे हाँ अब जो असल बात है ना वो आपने वेरिएबल चूंकि खुद से न, आ, करने है. अगर इन वर्ड लिखना है तो आप कह सकते हैं कि एटमोस्फ्रिक प्रेशर एटमोस्फ्रिक प्रेशर इज फंक्शन ऑफ हाइट हाइट की बजाय मैं वर्ड यूज कर लेता हूं इसने जो बुक में यूज किया है एल्टीट्यूड अच्छा अगर आप एल्टीट्यूड को कह दें कि प्रेशर uh, को आप क्या देते हैं पी ए कह देते हैं एटमोस प्रेशर को पी कह देता हूँ ताकि वो एल्टीट्यूड वाले में ए आ जाए और एल्टीट्यूड वाले को कह देता हूँ ए अब देखें अब इसमें डिपेंडेंट कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा है क्योंकि वो पता होगा तो आप इस शक्ल में लिखेंगे ना कि डिपेंडेंट इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट अब एल्टीट्यूड जो है वो इंडिपेंडेंट uh, है क्योंकि जितनी हाइट कम ही ज्यादा होगी उसके हिसाब से एटमोस्ट्रिक प्रेशर कम या ज्यादा होगा इट मीन एटमोस्ट्रिक प्रेशर जो है ये हमारे पास जो है डिपेंडेंट है और एल्टीट्यूड जो है वो इंडिपेंडेंट है तो मैं कह सकता हूं डिपेंडेंट वेरिएबल इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पीवल टू एफ ए चेक करते हैं जी उसने इसको क्या लिखा है

South down on Mississippi River, you notice that the width of the river changes as you travel southward with the current. Okay, यहाँ पे आप देखिए उसने ये बताया हुआ है कि आ, ये Mississippi जो river है, ये जैसे-जैसे in north to south चुके travel कर रहा है, तो जैसे-जैसे हम आगे की तरफ चलते जाएं यानी कि उस रिवर जो हेड है उससे ब्रिज हेड से जितना जितना आगे की तरफ चलते जाएंगे उतना जो है उसकी विड्थ जो है वो चेंज हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि जो विड्थ है वो डिपेंड कर रही है डिस्टेंस से यहाँ पे उसने हाँ डिस्टेंस ही यूज कर लिया वर्ड उससे फासला की बात हो रही है कि रिवर विड्थ डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द रिवर्स सोर्स कि जहां से वो दरिया निकल रहा है उधर से जितना आगे जाएंगे दरिया की जो चुड़ाई है ठीक है वो उतनी ही जो है वो आ, कम या ज्यादा हो रही है ये चेंज हो रही है बेसिकली तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स डिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है और उसकी जो विड्थ है उसके हिसाब से डिपेंड कर रही है तो विड्थ इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है यानी कि डिपेंडेंट फंक्शन इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे कि डिपेंडेंट is equal to function of independent. ठीक है ना तो इस हिसाब से आप लोगों ने इसको लिखना है वेल well, फंक्शन के लिए ये एफ जो है वो स्मॉल ही यूज करेंगे आप लोग नेक्स्ट हमारे पास जो तो चीज है कि व्हाट आर थ्री डिफरेंट बेसिक वेज टू एक्सप्रेस अ फंक्शन किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या थ्री डिफरेंट वेज है पहला तरीका क्या है डाटा टेबल बना सकते हैं जैसे कि हमने पहले देखा टाइम वाला और टेम्परेचर वाला कि इतने टाइम पे ये टेम्परेचर इतने टाइम पे ये टेम्परेचर तो टाइम के बदलने से टेम्परेचर उस हिसाब से चेंज हो रहा है यानी कि टाइम डिपेंड जो टेम्परेचर है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे कि टाइम के हिसाब से टेम्परेचर जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है तो एक तो तरीका हो गया टेबल बना लेना ठीक है जिसके अंदर हम एक दूसरे का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरा तरीका होता है पिक्चर और ग्राफ अच्छा ग्राफ मैंने नहीं देखा तो ग्राफ को बनाने के लिए ना नीचे कोऑर्डिनेट प्लेन चाहिए होती है उसकी एक्सप्लेनेशन है नीचे ये सेकंड वाला इसके बाद है कि एक तरीका ग्राफ है और तीसरा तरीका है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये वही वाला फार्मूला तो वाई इज तो वाला जो था अभी हम देख रहे थे कि ये p पीअल टू एफ ऑफ इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट है एक मैथमेटिकल फॉर्म है तो ये ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन है कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं तो ये थ्री डिफरेंट जो है वो हमारे पास बेस है उसके बाद कोऑर्डिनेट प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन आप जितने भी लोग हैं ये इसको इजीली अंडरस्टैंड अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इसकी डायग्राम को पहले देख लें और उसको उसके बाद अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लें तो बहुत ही अच्छा मेथड रहता है मैं तो ये समझता हूँ ये देखें कि कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली टू लाइंस पे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पे मुश्तमिल होता है कि दो लाइनें होती हैं वन इज हॉरिजॉन्टल अदर इज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस ठीक है ना हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस अच्छा राइट right साइड पे एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है लेफ्ट साइड पे एक्स जो है वो नेगेटिव होता है टॉप साइड पे वाई जो है वो पॉजिटिव होता है डाउनवर्ड जो है वो वाई जो है वो नेगेटिव होता है अच्छा तो ये पूरी की पूरी जो प्लेन है जिसके अंदर ये दोनों लाइनें मौजूद हैं ये उस प्लेन को फोर डिफरेंट पार्ट्स में कट करते हैं और जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो जीरो जीरो होते हैं कि एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है वाई की वैल्यू भी जीरो होती है आप जो जो राइट साइड पे जाएंगे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे देखिए जीरो वन टू थ्री फोर फाइव से लेकर टेन तक और माइनस पे जा रहे हैं माइनस टेन तक फिर ऊपर जा रहे हैं टेंथ तक नीचे आ रहे हैं टेन तक अच्छा जो फोर पार्ट बने हैं इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट पहला क्वाड्रेंट दूसरा क्वाड्रेंट तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट अच्छा पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं यानी कि बोथ आर पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है एक्स जो है वो नेगेटिव लगता है इसको थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे एक्स पॉजिटिव लग रहा है और वाई नेगेटिव लग रहा है ये लाइने देख आपको के आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें एक्स की पॉजिटिव वाली लाइन लग रही है और वाई की तो हॉरिजेंटल को एक्स बोलते हैं और वर्टिकल को वाई बोल रहा है यहाँ पे तो हॉजेंटल और वर्टिकल के मीनिंग में उसने उसको लिखा है अच्छा इसके अंदर जो पॉइंट रिप्रेजेंट करना है ना फर्ज किया पॉइंट आ गया टू थ्री तो इसका मतलब पहला पॉइंट एक्स होता है दूसरा पॉइंट जो होता है कोऑर्डिनेट के अंदर जो ये कॉम्पोनेट है पहला X और दूसरा कॉम्पोनेट वाई होता है तो एक्स कॉम्पोनेंट है टू तो इस पूरी लाइन पे टू पॉजिटिव यहां पे होगा अच्छा फिर दूसरा कॉम्पोनेंट है थ्री तो वाई लाइन पे थ्री कहां पे? यहां पे. तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दें टू थ्री को तो ये हमारे पास क्या आ गया ये पॉइंट आ गया है टू थ्री इसी तरह थ्री माइनस फोर है की इस लाइन के ऊपर थ्री देखेंगे और माइनस फोर जो है वो वर्टिकल लाइन पे देखेंगे तो थ्री और माइनस फोर जहां पे एक दूसरे से मिले तो उस पॉइंट को आप लोगों ने उसको ड्रा कर देना है ओके okay. तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी जो एक्सप्लेनेशन उसने लिखी हुई है वो क्या है जी इसके अंदर कोई चीज जो मिसिंग रह गई होगी वो हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन मोस्ट कॉमन वे टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ फंक्शन इज टू यूज कोऑर्डिनेट ड्रॉफन जो ग्राफिकल मेथड है वो जो तीसरा मेथड मैंने बताया था ग्राफ वाला वो अभी बताना रह गया था तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन का है कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है दैट इज मेड बाय ड्राइंग टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस दो परपेंडिकुलर नंबर लाइंस होते हैं जिनको एक्सिस बोलते हैं ठीक है ना और नॉर्मली नंबर इंक्रीजेस ऑन द राइट ऑन हॉरिजॉन्टल यानी कि राइट साइड पे वाले में राइट right साइड पे बढ़ते हैं वर्टिकल वाले में अपवर्ड बढ़ते हैं और जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको रीजन बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं पॉइंट जो भी रिप्रेजेंट होता है वो कॉर्डिनेट्स के जरिए रिप्रेजेंट होता है या ऑर्डर पेयर के जरिए रिप्रेजेंट होता है उसमें जो एक्स कोआर्डिनेट है वो एक्स कोआर्डिनेट बेसिकली हॉरिजेंटल लाइन पे होता है वाई कोआर्डिनेट जो होता है वो वर्टिकल लाइन पे होता है तो एक्स वाई अगर इस तरीके से कोआर्डिनेट के अंदर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब एक्स लाइन पे वाई लाइन के ऊपर ठीक है, तो और y, दोनों है, का, uh, है. ना तो ये हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट uh, बनाए भी हुए हैं और एक्सरसाइज के तौर पर भी आप लोगों को दूंगा मैं चले यहीं पर एक और पॉइंट ड्रा कर लेते हैं हम uh, खुद से भी ताकि हमें मजीद थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि uh, हम बात करते हैं किसी पॉइंट की मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बल्कि एक पॉइंट कोई माइनस फोर क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट ना फोर फोर तक बने हुए तो मैं पॉइंट भी वैसे ले लेता हूँ जो फोर तक हो चले मैक्सिमम ठीक है ना माइनस फोर और थ्री माइनस फोर और थ्री लेते हैं क्योंकि थ्री माइनस फोर है ना पहले बना हुआ पॉइंट तो माइनस फोर लेते हैं कि एक्स की वैल्यू अगर माइनस हो और आ, वाई की वैल्यू थ्री हो तो क्या होगा अब पहला कंपोनेंट जो है ना ये है एक्स तो एक्स के ऊपर माइनस फोर आप देखेंगे वो यहां पे ये ये वाला पॉइंट अच्छा थ्री अब ये थ्री वाला जो है वर्टिकल पे देखना है वर्टिकल के ऊपर थ्री यहां पे है तो अब आप क्या करेंगे आप थ्री से और फोर से दोनों साइडों से लाइन बढ़ा के जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हूँ बेसिकली ये लाइन हिस्सा नहीं है क्वेश्चन का ये याद रखिएगा ये एक फर्जी लाइन ड्रा की जाती है आप लोगों ने सिर्फ ये पॉइंट बनाना होता है ये असल हमारा आ, काम है कि ये जो पॉइंट है ये माइनस फोर और थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है ना और अच्छा अब ये देखना हो कि ये हमारा ठीक भी बना होगा या नहीं ठीक बना होगा तो ये देखने के लिए आपको बता दूं कि अगर तो आपका पॉइंट अब देखें एक्स नेगेटिव था इसमें और वाई पॉजिटिव था तो इसके अंदर एक्स नेगेटिव यानी कि हॉरिजेंटल नेगेटिव और वर्टिकल पॉजिटिव हो तो सेकंड क्वार में बनना चाहिए हमारा सेकंड में बना ठीक है इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो तो पहले क्वारेंट में हमारा आंसर होना चाहिए एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव हो तो सेकंड क्वारेंट में होना चाहिए एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हो तो फिर थर्ड क्वारेंट में हमारा आंसर आना चाहिए और एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हो तो फिर हमारा आंसर जो है वो फोर्थ क्वार के अंदर बनना चाहिए अगर वो उसके मुताबिक नहीं बन रहा तो इसका मतलब हमारे से कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई है ओके नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन डोमेन एंड रेंज एंड एक्सप्लेन हाउ टू डिटरमिन देम फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन कि डोमेन और रेंज क्या है और किसी भी फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट की जाती है डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ वैल्यूज दैट बोथ मेक सेंस एंड आर ऑफ इंटरेस्ट फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वो तमाम वैल्यूज जो उस फंक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक मीनिंग देती हैं और एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड आर ऑफ इंटरेस्ट और हमारे लिए इंटरेस्ट जोन हो मतलब बाजुकात में कुछ वैल्यूज खुद दी जाती है तो जो वैल्यूज दी जाएंगी वो डोमेन और रेंज रेंज क्या है range उसके मुताबिक जो वैल्यूज आती हैं यानी कि जो वैल्यू हम पुट करते हैं खुद से वो डोमेन होती है और जो रेंज है जो आंसर्स आते हैं फिर उसके मुताबिक वो रेंज है यानी कि टेम्परेचर लिया ना हमने छे से लेकर शाम छ तक तो छे सुबह छह से शाम छ तक डोमेन हो गई और जो टेम्परेचर आए उस, उस टाइमिंग के दौरान जो जो टेम्परेचर खुद ही आते रहे वो उसकी रेंज थी जो उसके मुताबिक आंसर अच्छा, अब यहां से लेकर टाइम आफ्टर हाँ सिक्स आवर्स ठीक है सुबह क्योंकि बारह घंटे गुजरे ना सुबह छह बजे के बाद जीरो का मतलब छ बजे फिर दो का मतलब हो गया आठ दस बारह बजे फिर दो बजे फिर चार और फिर शाम छह बजे तक इनके छह बजे के बाद के वक्त तो जब छह बजे हुए थे तब टेम्परेचर पचास के करीब था फिर जैसे जैसे घंटे गुजरते रहे टेम्परेचर बनाया उसका आपस में जो ग्राफ बना लिया ये थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके बनाया ये टेम्परेचर ये वाला ग्राफ जरा बेहतर रहेगा कि जीरो पे वैल्यू फिफ्टी थी ये मैं टेबल की तरफ जाता हूं दोबारा उधर ही हमारे मेन टेबल की तरफ हाँ सात बजे बावन था आठ बजे पचपन था नौ बजे अट्ठावन था हाँ ये देखिए दो एक का मतलब हो गया कि सात बजे ये बावन हो गया फिर पचपन हो गया फिर सतावन हो गया ये इसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है टेम्परेचर हमने वैल्यूज बना ली ये बनाई वैसी है कि जैसे मैं यहाँ से आपको बता दूं कि ये दरमियान में कहीं पे जो वन था ना वन का मतलब हो गया कि ये सात बजे सात बजे ये बावन था तो पचास से थोड़ा सा ऊपर उसने बना दिया कि ये बावन है फिर अः दो का मतलब छह बजे के बाद दो घंटे यानी कि शाम आठ बजे वो पचपन वैल्यू होगी तो इस तरह बनाए हुए हैं उसने ग्राफ लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि लाइनें

और सुबह छह से शाम छह बजे तक जो टाइम हमने दिया वो डोमेन है और उसके मुताबिक जो टेम्परेचर आए हैं वो हमारे पास रेंज है तो ये उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ये उसका ग्राफ बनाया हुआ है ऊपर वाला ही ग्राफ जो है उसके लिए है यहां तक डोमेन रेंज का जो कॉन्सेप्ट है और फंक्शन का जो ग्राफ बनाने का प्रोसीजर है टॉपिक कंप्लीट होता है लेकिन मैंने उसके बाद भी चूंकि कुछ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं या इसको पढ़ाने वाले अगर मैथ्स के टीचर्स हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि डेफिनेशन जो कंटेंट ये जो बुक हमें दी गई है जहां से हमने ये सारा डाटा लिया है यूजिंग अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स वाला अब उस बुक में जो है ना जो आपकी रिकमेंडेड uh, बुक है उसकी डेफिनेशन को मैंने यूज किया मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे डोमेन uh, और रेंज को ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाता है और uh, बड़े जबरदस्त तरीके से वहां पे एक्सप्लेन फॉर्म में होता है तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है आप लोगों की मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए डोमेन रेंज और फंक्शन की एक कम्प्रहेंसिव सी डेफिनेशन है और शॉर्ट डेफिनेशन है फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई किसी एक सेट एक्स से वाई की तरफ एक नॉन एमटी से नॉन एमटी से हर एलिमेंट को वाई के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ जोड़ता है तो वो रूल फंक्शन कहलाता है सेट एक्स पहले वाला सेट उसका डोमेन होता है जबकि जो क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं दूसरे सेट के वो रेंज कहलाते हैं

जो कैंडिडेट्स होंगे जो प्रॉपर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे उन कैंडिडेट्स को मैं जो नेक्स्ट फर्दर रिकॉर्डिंग्स हैं वो साथ साथ शेयर करता रहूंगा तो इसको अपने जो क्लीग्स होंगे उन तक तो आप लोग जरूर भेजिएगा जो ताकि वो तमाम लोग जो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिनको लगता है कि वो इससे कुछ ना कुछ लर्न कर लेंगे सीख लेंगे वो हमारे ऑनलाइन सेशन को जो है वो ज्वाइन भी कर सकें कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आप लोगों को दे दिए थे स्टार्ट में कॉन्टेक्ट नंबर मौजूद है ये अगेन आप लोगों के सामने स्क्रीन शो कर देता हूँ एट द एंड ऑफ द सेशन के लेक्चर सीरीज क्वानिटिव रीजनिंग की जो है ये आप लोगों के सामने मौजूद है इसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वाट्सअप मैंने दे दिया है ताकि आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट कर सकें जो लोग इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं मजीद जो आप लोगों के सजेशन हैं वो आप लोग दे सकते हैं जो अगर कोई क्यूरीज हैं कोई क्वेश्चन हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं जनरल साइंस के लिए भी आप लोगों को जो आ, फर्स्ट वीडियो है उसकी मैं ऑनलाइन इंशाल्लाह कर दूंगा कल या परसों तक ओके जी अल्लाह हाफिज